Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. वेलकम टू टेकपुर इन्फो। आज की वीडियो जो है वो निमसेट के ऊपर है। जो भी बच्चे हमारे पहले वीडियो देखे हुए होंगे उनके उनको पता होगा निमसेट क्या होता है, लेकिन जो बच्चे नए हैं या जो निमसेट के बारे में अवेयर नहीं है उनको इस वीडियो में निमसेट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो में टोटल कितने पार्ट्स होंगे और पूरे वीडियो में क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ, चीजों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो डिस्कशन होगा इस वीडियो में निमसेट क्या है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा निमसेट फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट करवाया गया था, निमसेट जब करवाया जाता है और NIT इसको करवाती है तो क्यों करवाती है, रीजन क्या है इस निमसेट को करवाने का, क्योंकि इसके अलावा भी आप एडमिशन लेने के लिए और भी रास्ते हैं तो क्या वजह है क्यों करवाया जा रहा है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है निमसेट में एडमिशन लेने के लिए और क्या क्या स्किल टेस्ट किया जाता है निमसेट एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। निमसेट जो एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट होगा कि सिलेबस ऑफ निमसेट, निमसेट का सिलेबस क्या है और सिलेबस जो भी होगा वो डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ डाउट्स होंगे जो कि निमसेट के रिगार्डिंग, मैंने 10 डाउट्स जो बहुत ज़्यादा गूगल पे, यूट्यूब पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे पूछे गए हैं वो 10 डाउट्स में रखे हुए मैंने, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारे डाउट्स, इन डाउट्स का डिस्कशन मैं लास्ट में करने वाला हूँ। तो पहले चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करूंगा निमसेट से कि निमसेट है क्या है। तो निमसेट का जो फुल फॉर्म है, एक्चुअल में जो निमसेट का फुल फॉर्म है वो है NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। NI स्टैंड फॉर NIT एंड M स्टैंड फॉर MCA एंड C स्टैंड फॉर कॉमन, E फॉर एंट्रेंस एंड T फॉर टेस्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जो है वो NIT द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है MCA प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। कौन सी NIT कंडक्ट करवाएगी, ये अलग अलग ईयर्स अलग अलग NIT कंडक्ट करवाती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक NIT ही कंडक्ट करवाएगी निमसेट एग्जाम को, वो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग NITs कंडक्ट करवाती हैं। इसके अलावा MCA जो एग्ज़ाम है वो निमसेट द्वारा एडमिशन होता है और MCA जब आप करने जाएंगे तो उसके लिए आपको NIT कॉलेज ऑफर किए जाते हैं MCA कोर्स के लिए, जो भी आपका रैंक निमसेट एग्जाम में। निमसेट एग्जाम जो होता है वो साल में एक बार होता है, सिर्फ एक चांस मिलता है कि वन ईयर में आप एक बार एग्जाम दे सकते हैं। निमसेट एग्जाम जो है वो फर्स्ट टाइम कब करवाया गया था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों का क्वेश्चन था, तो मैंने इसको उठाया कि निमसेट एग्जाम जो फर्स्ट टाइम जो है 2007 में कंडक्ट करवाया गया था फर्स्ट टाइम। अगला स्लाइड है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ निमसेट, निमसेट करवाने के पीछे जो रीजन है, पर्पज है गवर्नमेंट का, वो क्या है। तो सबसे पहला जो रीजन है, ये रीजन जो मैंने डिसाइड किए हैं काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद डिसाइड किए हैं, क्योंकि ये आप गूगल करेंगे कहीं करेंगे ये पर्पज आपको नहीं मिलने वाला। तो जो इसका जो पर्पज है मेन है, पहला रीजन है कि एक MCA की उतना क्रेज नहीं था, जब से निमसेट आया है तब से लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ी है और लोग MCA को और जानने लगे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भी बच्चे 12th में अपने NIT या IIT में सपना था, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना था, जैसे कि NIT, HBTU,
SCU, IP यूनिवर्सिटी, ये सारे जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेने का सपना होता है, लेकिन किसी वजह से उनके नंबर्स नहीं आ पाते हैं, अच्छा रैंक नहीं आ पाता है, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है इन कॉलेज में, तो उनके पास एक दोबारा चांसेस होते हैं कि वो NITs में, HBTU में, SCU में, इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज जैसे कॉलेज में, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं। ये उनके पास एक दूसरा मौका रहता है। इसके अलावा एक हाईएस्ट प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हैं, NITs में जा रहे हैं, सेम कंपनियां अगर आपको सेम डेजिग्नेशन के लिए ऑफर करती हैं तो प्लेसमेंट होगा यहाँ भी वहाँ भी, बट लेकिन जो आपका पैकेज होगा वो डिफरेंट रहेगा, यहाँ का डिफरेंट और NITs का डिफरेंट होता है। इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे आपके नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आने को हो, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड इन्वायरमेंट हो, हर तरह का इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलता है। कॉलेज की जो फैसिलिटी होती है वो भी अमूमन ज़्यादातर अच्छी होती हैं जो NITs होती हैं और अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। इसके अलावा जो वहाँ की फैकल्टी होती है वो हाई एजुकेटेड होती है, उनकी एजुकेशन काफ़ी ही अच्छी होती है, कि कोई भी फैकल्टी अगर NIT तक पहुँच रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक बच्चा अगर जा रहा है NITs में तो उसको कितना पापड़ मिलना पड़ रहा है, कितना मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसके लिए अगर आप देख रहे हैं कि एक प्रोफेसर वहाँ जा रहा है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उस कॉलेज में जाने के लिए, उस NIT में जाने के लिए, तो वो एक अच्छा और अच्छा जानकार होगा, हाई एजुकेटेड होगा और उसके अंदर काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये हुए NIMCET करवाने का पर्पज। वही बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए NIMCET एग्जाम में बैठने के लिए। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो कि आप कोई 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री लिए हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट लेकिन बैचलर डिग्री हो 3 ईयर्स का। कंडीशन क्या है कि उसमें आपका किसी एक सेमेस्टर में, किसी एक ईयर में या तो मैथमेटिक्स हो, या तो स्टैटिक्स हो, या कोई बिजनेस मैथ हो, इसमें से कोई एक हो, और साथ में आपका जो परसेंटेज हो ग्रेजुएशन में वो 60% हो फॉर OBC एंड जनरल कैंडिडेट, या अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो परसेंटेज में काउंट नहीं किया जा रहा है, CGPA में है, तो आउट ऑफ 10 6.5 CGPA होना कंपलसरी है। ये होगा तभी आप बैठ सकते हैं फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट। वही कुछ रिलैक्सेशंस मिलती है SC एंड ST कैंडिडेट के लिए, कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स भी हैं तब भी आप NIMCET एग्जाम में बैठ सकते हैं अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब बात करता हूँ स्किल टेस्टिंग की, कि कौन कौन सा स्किल टेस्ट किया जाता है NIMCET एग्जाम में। पहली स्किल टेस्ट हो जाती है आपकी मैथमेटिक्स की, आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग होता है, इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, साथ में आपका इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं। ये 4 चीज़ें आपकी 4 स्किल्स टेस्ट की जाती है, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ये 4 चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी NIMCET एग्जाम में। अगर इन 4 टेस्टों में आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आपका डेफिनेटली कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो एग्जाम पैटर्न जो NIMCET का होता है वो होता है कि ये एग्जाम कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। पहले ये पेन एंड पेपर बेस्ड था, लेकिन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं उसका भी डिस्कशन मैं करूं तो मैथमेटिक्स का सबसे अधिक वेटेज होता है, जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, और एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो उसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहीं अगर मैं कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं तो 10 क्वेश्चंस आपसे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका कोडिंग रिलेटेड नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आपको डेटा बेस बेसिक्स, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पता है आपको, और बेसिक डेटा DBMS पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस होते हैं जनरल इंग्लिश के, टोटल जो हो गए 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पूरे NIMCET एग्जाम में। और एक चीज़ और है कि हर जो कैटेगरी बता रहा हूँ, जो पैटर्न है एग्जाम का, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश का, सबका जो मार्क्स है वो किस बिहाफ पे डिवाइड होता है उसका मैं डिस्कशन में करूँगा। कि जो मैथमेटिक्स है उसका जो वेटेज होता है वो 12 मार्क्स का होता है,
और अगर मैं बात करूं एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का, तो ये 6 मार्क्स के होते हैं। और वहीं बात करूं कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो 1 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे। और अगर वहीं मैं बात करूं जनरल इंग्लिश का, तो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और हर एक पार्ट में 1/4 जो होगा वो निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने 1 क्वेश्चन किया है गलत कर दिया है, तो आपका जो सही मार्क्स होगा उसमें से 1/4 आपका कट जाएगा। ये रहा एग्जाम पैटर्न निमसेट का। बात करूं अगर मैं सिलेबस की, तो सिलेबस निमसेट का क्या है वो काफी डिटेल में है। हर एक टॉपिक का अलग अलग सिलेबस है, तो उसका सिलेबस के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर मैंने PDF शेयर कर दिया है, तो वहां से आप PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है डिटेल में हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का बनाने का मकसद था कि जो बच्चे गूगल पे, यूट्यूब पे, अलग सोशल मीडिया पे डाउट्स पूछ रहे थे निमसेट के रिगार्डिंग, वो 10 डाउट्स मैंने निकाले हुए हैं, उनका मैं जवाब दूंगा इसमें। सबसे पहला डाउट ये है बच्चों का कि क्या निमसेट जेई मेन्स से कठिन है। मेरा जो आंसर है वो है कि निमसेट जेई मेन्स से कठिन नहीं है, लगभग कह सकते हो इक्वल है, उससे इजियर होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या निमसेट में कोई एज लिमिट होती है निमसेट एग्जाम देने के लिए, तो आंसर है कि निमसेट एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमसेट एग्जाम में मिनिमम कितना स्कोर कर लिया जाए कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो इसके लिए हर ईयर कट ऑफ अलग अलग जाता है, लेकिन अगर आपका 500+ मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं कि विच NIT इज द बेस्ट फॉर MCA, कौन सा NIT जो है सबसे अच्छा है MCA के लिए, तो टॉप 5 NIT में आप जा रहे हैं तो सारे NIT अच्छे हैं, जैसे कि NIT त्रिची हो गया, सूरतकर हो गया, कैलीकट हो गया, इलाहाबाद हो गया, वारंगल हो गया, ये सारे NIT काफ़ी ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, इसमें से किसी में जाते हैं तो आपकी ये NIT काफ़ी ही अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमसेट एग्जाम 1 साल में कितनी बार कंडक्ट करा जाता है, तो इसका आंसर है निमसेट एग्जाम सिर्फ 1 ईयर में 1 ही बार कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमसेट एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है या ऑफलाइन होता है, तो निमसेट कम्प्लीटली अब 2020 से कम्प्लीटली ये ऑनलाइन हो गया है। इसके पहले ये जो पेपर था वो ऑफलाइन था, लेकिन अब ऑनलाइन मोड में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि क्या IIT कॉलेज भी MCA में पार्टिसिपेट करवाते हैं, MCA करवाती हैं, तो आंसर है नहीं, IIT नहीं करवाती है। एक टाइम था IIT रुड़की करवा रही थी, बट अब वहां पर भी बंद हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि क्या निमसेट के लिए ड्रॉप लेना वर्थ है या नहीं है, 1 साल के लिए आप ड्रॉप ले रहे हैं, 2 साल के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, तो क्या फॉर निमसेट ये वर्थ है या नहीं है। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो का थंबनेल जो है कुछ इस प्रकार है कि NIT नहीं तो क्या बेस्ट ऑप्शन अदर देन NIT फॉर MCA, ये रहा थंबनेल। और इस वीडियो को आप देखिए, काफ़ी डिटेल में मैंने कवर किया है कि अगर आप NIT नहीं जा पा रहे हैं तो क्या उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है MCA करने का, बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसको भी इसमें डिस्कशन किया गया है, तो वो चीज़ इसमें बताया हूँ, इसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों का कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन निमसेट, तो जो निमसेट में सीट्स होती हैं वो अलग अलग साल अलग अलग होती हैं। अभी तक जो सीटें थी 2020 में जो नंबर ऑफ NITs थी वो कम थी, 2021 में एक NIT बढ़ गई है, हो सकता है 2022 में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो सीटें बढ़ जाएं। नियर अबाउट 900 के आसपास सीटें रहती हैं, एग्जैक्ट जो होगी वो जब अपडेट आएगा निमसेट की वेबसाइट्स पे वो तब मैं बता दूंगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको निमसेट से रिलेटेड, MCA से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिले तो मैं आपको दे दूं और आपको तक वो वीडियो आसानी से पहुंच सके। निमसेट वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, वहां से आप निमसेट वेबसाइट को आप ब्राउज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि क्या निमसेट की प्रिपरेशन बिना कोचिंग से की जा सकती है, तो आंसर है यस यू कैन, आप कर सकते हैं बिना कोचिंग के हेल्प से निमसेट की प्रिपरेशन,
लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए, काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि निम्सेट एग्जाम विदाउट कोचिंग कैसे क्रैक करना है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाए, तो कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और कहाँ से कौन सा रिसोर्स आपके लिए यूजफुल होगा और फ्री रिसोर्सेज कहाँ से आपको मिल सकती है, वो भी उसमें डिस्कस करूँगा। बस आपको करना क्या है, निम्सेट एग्जाम के लिए विदाउट कोचिंग के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का जो लाइक एम है 100 है, वो 100 लोग कम से कम लाइक इसमें इस वीडियो को करें। अगर आप लोग 100 लोग लाइक करते हैं तो मैं जो वीडियो बताया हूँ नेक्स्ट विदाउट कोचिंग कैसे करेक्ट करना, वो जरूर बना दूंगा मैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर लेटेस्ट इंटर्नशिप जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर MCA स्टूडेंट, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना होगा। वहाँ पर जो भी MCA रिलेटेड लेटेस्ट जॉब होती है मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ स्टोरी में, आप वहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली, वहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके फॉलो करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक फॉर इन्फो। Keep supporting Tech4Info using subscribe button.